हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शिमला मिर्च आलू की सब्जी बिना प्याज बिना लहसुन के बनाएंगे और खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच जीरा ले लिया है, 2 चम्मच सौंफ ले ली है और ये 2 नग इलायची के ले लिए हैं। इसे हल्का गुलाबी होने तक हम भुनेंगे। ये मसाला बहुत ही लाजवाब बनता है और ये आप किसी भी सब्जी में ट्राई कर सकते हैं, उस सब्जी का स्वाद बदल जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इन मसालों को। इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें पुदीना के पत्ते को डाल दूंगी और इसे भी हल्का सा भून लूंगी। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसे मैं थाली में लेके इस मसाले को ठंडा कर दूंगी। मसाला ठंडा हो गया है। अब हम ग्राइंडर जार में लेके इसे हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसे मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब हम काला नमक डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। ये हमारा चटाकेदार मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। अब मैं 1 चम्मच हींग डालूंगी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच ये मैंने यहाँ पे 3 कटी हुई आलू डाल दी है। इसे हम हल्का गुलाबी होने तक भुनेंगे। इसे अच्छी तरह से मसालों में मिला देते हैं। अब हम पैन को ढक देंगे। 2 से 3 मिनट बाद फिर से चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारे आलू अच्छी तरह से गुलाबी हो गया है। ये देखिए, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दें। इसे मिला दें। मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल दें। ये मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। इसे मिला दें। इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल दें। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। नमक को ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारे मसाले में भी काला नमक हमने डाला है। इसे मिला दें। यह हमने जो सीक्रेट मसाला तैयार किया है वो डाल दें। ये मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मसाले डाले हैं। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ 500 ग्राम शिमला मिर्च ली है।
इसे मैंने इस तरह बड़े बड़े पीस में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे पीस कर लें। इसे मिला दें अच्छी तरह। मैंने अच्छी तरह मसाले में सब कुछ मिला दिया है। अब हम आलू चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू अच्छी से मैश हो जा रही है। अब हमें खाली शिमला मिर्च पकाना है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढक्कन को ढक देंगे। 3 मिनट बाद फिर से चेक कर लें। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। इसे आप रोटी या पराठे के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही लाजवाब। तो इस तरह से आप आलू शिमला मिर्च की सब्जी घर पर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।